तो लॉकडाउन है अपनी जगह, लेकिन साथ में टेस्टिंग की भी बात की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर आने वाले हर यात्री को अब आरटीपीसीआर टेस्ट की व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा। इनके लिए व्यवस्था की गई है, पारा मेडिकल स्टाफ के टेस्ट के लिए ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि कोई यात्री छूट ना जाए। लेकिन हटिया स्टेशन पर पुलिस के साथ समन्वय की कमी के चलते बड़ी संख्या में यात्री टेस्ट से छूट जा रहे हैं, जिसका जायजा लिया सहयोगी शहनवाज ने। दे रही है वैसे ही सख्ती तो रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि हर आने वाले यात्री का टेस्ट किया जाए। बहुत सारे लोग बिना टेस्ट के भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो कॉन्शियस यात्री हैं, जो खुद चाहते हैं कि उनका टेस्ट होना चाहिए और वो भी निश्चिंत होना चाहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं कानपुर से। आप टेस्ट कितना दिन पहले कराया है? इसका पहले कराया नहीं, कभी नहीं कराया, तो इसीलिए कराना चाह रहे हैं। जी जी, आप खुद चाह रहे हैं कि हो जाए। वेरी गुड, तो चलिए करा लीजिए। ये देखिए, ये टेस्ट कराने वाली लाइन है, लेकिन जो बाकी यात्री हैं जो अपनी मर्जी से जाना चाह रहे हैं। आप भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? पुरुलिया सीसा से। अच्छा, तो आप टेस्ट वेस्ट नहीं कराइएगा यहाँ जो लाइन लगा हुआ है टेस्ट के लिए? कौन टेस्ट? कभी डाला नहीं, हम तो वैक्सीन हो गया है। वैक्सीन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। आई हुई है पूरी हटिया ट्रेन, आप देख सकते हैं ये आई है और बैरिकेटिंग की हुई है। पुलिस बाकायदा इंडिकेट करती है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं, यात्रा करके आ रहे हैं, तो आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है। ये अंदर बैरिकेटिंग की व्यवस्था है। तो ये सुबह से कितना टेस्ट कराया है? सुबह से आरटीपीसीआर टेस्ट लगभग 100 के करीब हो चुका है और एंटीजन भी वही लगभग है। ट्रेन सुबह से आई है और सबका टेस्ट कंपलसरी है क्या, कि देख रहे हैं कि जो अपनी मर्जी से आ रहा है? नहीं नहीं, कंपलसरी तो सबका टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ दो दो टीम हैं और मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों शिफ्ट में है, मतलब 24x7 यहाँ पे हो रही है। ड्यूटी 2 से 7 है सर। उसके बाद? उसके बाद 20 शिफ्ट का ड्यूटी है, वो लोग आते हैं, हम लोग हैंड ओवर देते हैं उनको। माने कवर्ड है पूरा? हाँ, 24 घंटा चल रही है। 2 से 10 और 10 से सुबह 7 बजे तक 24 घंटे ड्यूटी लगाई है प्रशासन ने, कोई कमी नहीं की है। ज़रूरत है थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाए, ताकि कोऑर्डिनेशन के साथ अगर काम होगा तो 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर कोई तीसरी लहर संभावित है, जिसकी बात की जानी शुरू की जा चुकी है, तो एक एक व्यक्ति को कोऑपरेट करना पड़ेगा, हर बाहर से आने वाले व्यक्ति को टेस्ट कराना होगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।